हेलो आदाब, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं खालिद आपको मेरी चैनल लबान एक्शन पे खुश आमदीद। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दो टेस्ट मैच सीरीज था और दोनों ने बांग्लादेश जीता, और पाकिस्तान की जो बुरी हाल हुआ है वो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं। जिस तरह बांग्लादेश ने खेला वो कमाल खेला, ज़बरदस्त खेला और बेहतरीन खेला। इसको नज़र में रखते हुए पाकिस्तान की जो अवाम है, पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैन है, वो क्या कर रही है, उसकी क्या रिएक्शन है, तो वो देखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, जबरदस्त भी है और कमाल भी। पाकिस्तान बांग्लादेश के वाइट वॉश हो गया, इतनी बुरी शिकस्त है। कोई यार, ये टीम है जलील का अगर दिया है उन्होंने, इनको इनको बटाओ, इनको जूतियां मारे, इनकी बाइकें, इनके इनके घर के कागजात, इनके घर, इनकी गाड़ियां, सब कुछ भेज दो। वो जो मोहसिन नकवी है उसको खुशी देता है यार, बंदा कोई मैच ही जाता है, कोई सीरीज ही जाता है यार। ये लोग जिस टीम के साथ खेलते हैं उस टीम के साथ छोटी टीम के लेवल के ही हो गए यार ये लोग। भाई बड़ी टीम के साथ हमारा मुकाबला नहीं रहा, पूरा इंडियन मीडिया मजाक उड़ा रहा है हमारा, पूरी टीम बनता है भाई, बना उड़ाए उड़ाए और उड़ाए मजाक, इनको डीमोटिवेट करें, उनका ही तो बनता है मजाक उड़ाना। मिल रहा है चांस, मिल रहा उनको भाई, भाई कोई हल्का दिल वाला ना कोई मैच ना देखे, ये सोच रहा के कि ये जीतेंगे, ये सोच रहा के कोई हल्का दिल वाला मैच ना देखे, अभी हार गए तो बेचारे को हार्ट अटैक आ गया। हम लोग अपने जज्बात वगैरह भाई जज्बातों के साथ ये खेलते हैं हमारे, मैं फुल जोश तरीन से, मैं नहीं पूरे पाकिस्तान जो क्रिकेट के फैन है फुल जोश के साथ इनका मैच देखते हैं, कुछ करेंगे कुछ करेंगे। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हरा दिया। आज मैं कॉलेज नहीं गया यार, कॉलेज से फोन आ गया, कॉलेज क्यों नहीं गए, मैंने कहा भाई मैं पाकिस्तान का मैच देखूं, कॉलेज जाऊं, मैच देखा मैंने इनका टेस्ट मैच, वहां पे भी इन्होंने जलील करवाया यार, मैं क्या करूं, नाम है इधर का नाम है उधर का। पाकिस्तानी टीम के बारे में तो मेरा मुंह ना ही खुलवाएं तो बेहतर है, उसकी वजह ये है कि ये कोई फर्स्ट टाइम तो हो नहीं रहा, ये पिछले दो सालों से हम मुसलसल हार ही रहे हैं, हम अमेरिका से भी हार गए हैं, वर्ल्ड कप से भी हार गए हैं, ये अभी बांग्लादेश से बुरी तरह वाइट वॉश हो गए हैं। ये तो होना ही तो इसमें मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम तो जो मंदिर का वो घंटा ही हो गया कि जो आता है बजा के चला जाता है। ये आप एक साहब की पूरी क्रिकेट टीम कह लो, पूरी कोचिंग कह लो, या जो मर्जी कह लो, हमारे बैट्समैन फ्लॉप, बॉलर फ्लॉप, अब आप खुद ही साहब लगा ले। चलो पहला तो हम हार गए, दूसरे में हमने क्या कि 23 पे 6 आउट होने के बावजूद हम मैच हार गए, अब इसमें क्या करें, हम बॉलिंग हमारी हो ही नहीं रही, ठीक है एफर्ट किया हमारे फील्डर की अच्छी छोड़ी जा रही है, बस यही तो एक तरफ से सही होता है दूसरी तरफ फट जाता है, दूसरी तरफ सही होता है एक तरफ फंस जाता है, यही सिचुएशन हो रही है दोनों तरफ, यही सिचुएशन हो रही है। एक तरफ देखे जो इंडिया, इंडिया 4,280 दिन हो गए हैं, लाइक डेढ़ से दो साल होने वाले हैं इंडिया अपनी होम ग्राउंड पे नहीं हारा, तो हम तो लाइक कभी कोई भी टीम आती है हमारे होम ग्राउंड पे आके हमें हरा के चली जाती है, तो आप खुद ही देख ले कि इंडिया को 4,280 दिन हो गए, यानी कि तकरीबन 2 से 2.5 साल, तो वो अभी तक अपनी होम ग्राउंड में टेस्ट मैच हार ही नहीं है, मैच हार ही नहीं रही, तो हम बांग्लादेश से बीस तो हो रहे हैं, यूएसए से बीस तो हो रहे हैं, उसके बाद हमें अफगानिस्तान ने भी बीस कर दिया, अब पीछे रह गए उनके श्रीलंका रह गया होना, या दो तीन टीमें हो रहे हैं, ठीक है उसके बाद हम इसी तरह ही है। अब मुझे लग रहा है ये चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है ना पाकिस्तान में, हमारे ही नीचे नंबर, नीचे से हम पहले नंबर पे होंगे, आठवें नंबर पे हम पहले पाकिस्तान बाहर, सबसे पहले पाकिस्तान बाहर हो जीतेगा कौन, इंडिया नजर आ रहा है, सही है, लोग कहते हैं कि इंडिया का रिकॉर्ड है, इंडिया का रिकॉर्ड। अच्छा दोस्तों, काफी जबरदस्त और काफी बेहतरीन है, और इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान ने बहुत पूरा खेला और बांग्लादेश जबरदस्त खेला, और बांग्लादेश जैसी टीम पाकिस्तान में आकर उसको शिकस्त देना कोई आसान काम नहीं, बहुत बड़ी काम है बांग्लादेश के लिए, बहुत ज्यादा बड़ी कामयाबी है। आई होप पाकिस्तान की टीम इससे उभरेगी, क्योंकि अब पाकिस्तान की टीम को संभालना और उसको बेहतर बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है, क्योंकि नया प्लेयर को लाना, कुछ मैचेस तो हारेंगी हारेंगी जब तक ये फिर से अपने पैरों में कड़ा ना हो, तो देखते हैं क्या होती है। आपको कैसा लगा वीडियो तो जरूर अपना राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमेशा की तरह अपना ख्याल रखें।